ये देखो मैंने लाइटें लगाई, कैसी लग रही है? बहुत मस्त लग रही है। चलिए जी, तड़का हो रहा है रेडी। जीरे हमने डाल दिए हैं और जीरे चटकना हो गया शुरू। अब इसमें डालते हैं प्याज। स्वागत है इन सुंदर सुंदर वादियों के साथ हमारे नए व्लॉग में। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, हमने आपको बहुत बहुत सुंदर सुंदर वादियां दिखाई और हम जा रहे हैं अहर्बल वाटरफॉल। थोड़ा सा बोलने जा रहे हैं ये तो तुझे शक्ल दिखा के बोलना चाहिए था तो अहर्बल वाटरफॉल जा रहे हैं या और शाम का टाइम है, वहाँ पर कैंपिंग भी करेंगे और वाटरफॉल भी दिखाएंगे आपको। तो अभी सामने की तरफ कैमरा इसलिए क्योंकि सामने नजारे बहुत सुंदर हैं, तो हम चाहते हैं कि खूबसूरत सी शुरुआत हो वीडियो की। और वीडियो शुरू होते ही मैं बोलते हूँ भाई लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर दो क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो, तो भाई अभी कर दो और बाकी नजारे देखो। अहर्बल पहुंच गए 2.3 किलोमीटर बता रहा है। बाकी चलो आपको बताते हैं आगे क्या क्या है, रुकने के ऑप्शन और कैंपिंग के ऑप्शन जो भी होंगे और सब आपको बताएं, हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। अहर्बल मतलब ये विलेज है, अहर्बल विलेज, और यहाँ पे होटल तो नहीं दिख रहे है ना अभी तक, तो दुकानें ही दिख रही है, घर दिख रहे हैं। कहाँ जाना है यहाँ से? सीधा ही दिखा रहा है। अच्छा ये पार्क है, ओ इधर लगी अपनी गाड़ियाँ, यहीं से जाते हैं वाटरफॉल को शायद पैदल या कैसे पता नहीं। वैसे दिखा रहा है अभी 2.2 किलोमीटर दिखा रहा है पूरा। चलो पहले पूछते हैं भाइयों से, जो आया होता है ना उसको ज्यादा नॉलेज होता, तो सागर भाई आए हैं उनसे पूछते हैं क्या सीन है। हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मस्त है ना। तो ये है पार्क जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और भाई के सब्सक्राइबर आगे लगते हैं। पंजाब से हिमाचल से हमको जाते हैं। हाँ जी वो जानता है आपको, वो भी छोटा मोटा ये भाई लोग, आप लोकल हो? जी लोकल ही है, हम कुलगाम के ही है। कुलगाम के, ठीक है ठीक है। ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है? हाँ ये अहर्बल जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही रहता है। अच्छा जी सर, बढ़िया भाई, सब्सक्राइबर हूँ मैं आपके। अच्छा अच्छा थैंक यू, थैंक यू। आप भी घूमने आए इधर? हाँ मैं भी थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉग शूट करने। ठीक है ठीक है। क्या चैनल का नाम? हाँ चैनल का नाम द अदनान मीर है। क्या? द अदनान मीर। द अदनान मीर, मीर। हाँ ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे सपोर्ट आपको। कर रहे हैं, फुल सपोर्ट। ये देखिए क्या एडवेंचर करवा रहे भाई हमसे, मैं तो आ जाऊंगा ये दोनों आपको गालियां देंगे। चलो ये पता क्या है, आप अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वॉटरफॉल दिखना शुरू हो चुका है यहीं से, ये देखिए वाओ कितना खूबसूरत है। तो गाइज माइक जो है ना प्रॉब्लम दे रहा है, अजीब सी आवाज़ आ रही है, आपने पिछले शॉट देखे होंगे, तो अब मैं बिना माइक के ही करूँगा चाहे विंड नॉइस आ जाए। भाई बहुत ही ज़रूरी लाइन ध्यान से पढ़ लें, योर लाइफ इज़ मोर वैल्यूएबल देन सेल्फी। ठीक है, सेल्फी खिंचवाते हैं उधर गिर ना जाए। तो इधर तो पूरी फेंसिंग लगी हुई है, पूरा कवर किया है एरिया को ताकि कोई नीचे गिर ना जाए। चले नहाने, सुबह नहाए नहीं हम नदी में, ये ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है वाटरफॉल, वो आगे वाला मेन है, एक ये है, लेकिन आगे वाला बहुत सही है।
यहाँ देखिए भाई पानी कहाँ से निकल रहा है, बिल्कुल पत्थर के बीचों बीच से, ये देखिए, और आगे भी है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जन्नत। ओ देखिए भाई सामने, इसको देख के कैसा फील हो रहा है। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मौत है, है ना। हाँ। आप वहां जाइए, तैरते तैरते यू 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 नीचे तैरने का मौका कहाँ मिलेगा। देखिए भाई बहुत ही सही, ये कैसा लगा वाटरफॉल। तो भाई वाटरफॉल तो बहुत खतरनाक है, आप वीडियो में बताना आपको कैसा लगा। दूर से देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी इसको सबसे ज्यादा इसकी ब्यूटी होती है विंटर में। और दूसरी बात, ये जो रास्ता था ना, ये यहाँ से लोग आगे जाते थे और वहां तक जाते थे, तब ज्यादा मजा आता था। लेकिन यार वही है कि खतरा बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है वहां से जाने में। और वहां पर अगर गलती से भी पांव फिसल गया तो सीधा घुस जाएंगे उसमें और बचेगा नहीं बंदा। तो इसलिए इन्होंने बंद कर दिया इसको प्रॉपर तरीके से। तो वाटरफॉल देख के जा रहे वापस, चलो देख लिया। अभी मैं 4-5 दिन पहले ही वीडियो देख रहा था कि यार काश मैं भी वहां जा सकता, और आज पहुंच भी गया और मजा आया देख के। बाकी विंटर में ट्राई करेंगे कभी, जब यहाँ बर्फ हो, मतलब आधा पानी जमा हो और वाटरफॉल गिर रहा हो, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना। बाकी चलो चलते हैं गाड़ियों की तरफ और कैंप लोकेशन है आगे, लगाते हैं अपना कैंप और करते हैं आज की कैंपिंग। वो वाओ, यहाँ से नजारा और भी मस्त है, ये देखिए, वो अति सुंदर मनमोहक दृश्य, वो देख नीचे सड़क जैसी नदी। ये देखो पानी ना अपनी पावर से पूरे पहाड़ों को काट देता है, देख लो क्या जगह बनाई हुई है उसने। बहुत गहरा होगा वहां पे क्योंकि इतना ज्यादा पानी है देखो, और इतनी सी जगह से जा रहा है उधर। वाटरफॉल देख लिया भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। भूख लगा, चलो चलो खा लो कुछ, बस अब जाके बनाना ये खाना। तो ये मुझे पता नहीं था, ये जो रोड है ना, हम यहाँ से आए इस रोड से नीचे से पहलगाम साइड से, और ये जो भाई ने गाड़ी मोड़ी आगे की तरफ को, ये सीधा श्रीनगर जा रहा है रोड। तो मतलब बढ़िया है यार, हमारा तो राउंड ट्रिप हो जाएगा। वाओ, वो वाओ, अरबल से निकलते ही क्या खूबसूरत वादियां हैं यार। हाँ, जिसकी मैंने वीडियो देखी थी ना, वो लोग उधर से आए थे उस पुल की तरफ से। तो मैंने सोचा यार हमारा तो रोड अलग सा ही है, तो उनका रोड तो बड़ा सीनिक था, सीनिक मतलब पहाड़ों जंगलों वाला, हमारा गांव से होते हुए प्लेन इलाके से आया है। तो चलो दोनों रोड्स का मजा लेंगे, मतलब हम अच्छा वो वहां से आएंगे श्रीनगर से, और जगह है तो इधर काफी है यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वाह क्या वादियां हैं, तो इधर तो ग्राउंड ही ग्राउंड है। चलो देखते हैं कहां जैसे बढ़िया वाला होगा। एक अंकल में को पूछा मैंने, उन्होंने बोला हाँ आगे है। अरे इन भेड़ों और कैसे? अरे ये क्या किया इनको, इनको तो मार्का ही लगा दिया है, ऐसी कैसी निशानी दे दी है इनको। वाओ हटो 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 मोटू हटो, ये तो सच में मोटू और छोटू है ना, मोटू और छोटू हटो। ऐसे ट्रैफिक जाम में फंसे कि क्या बताएं। फेमस टूरिस्ट रिसॉर्ट शूट कर लो, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्या बताया, वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट रिसॉर्ट जो है ना वो, अच्छा आगे है, तो पैदल जाना पड़ता है। हाँ, ट्रैकिंग अच्छा। के लिए जाओ कुंभवटन तक, कुंभवटन तक आप ट्रैकिंग करो। कितने दिन का होगा? बस वो 3-4 घंटे का ट्रैकिंग है। अच्छा अच्छा, होता ही है, आपको बर्फ दिखेगा, बर्फ देख के ना फिर वहाँ से ना, ठीक है, 1-1.5 महीने के बाद बर्फ पिघल जाएगा, तो उसके बाद नौसरना जाओ। ठीक, तो हम यहाँ इस ग्राउंड में तो लगा सकते हैं ना, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। ठीक है सर, ये बैठा है ना बकरवाल का, गुज्जर लोग होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा ये भी यहीं रहते होंगे। तो ये खूबसूरत सा ग्राउंड मिल गया है, क्या था नीचे, अहरबल वाटरफॉल से ऊपर आके थोड़ा सा, और ये सर ने आपको बताया जैसे हट्स हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है पूरा, और यहाँ पर गुज्जर भाई भी हैं हमारे। तो यहाँ पे लगाएंगे आज गाड़ी इन खूबसूरत वादियों में, और पीछे है बर्फ की पहाड़ी, और लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छे।
कुछ लोग बोलते हैं कि खतरा है, कुछ है, ये है, वो कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। हम इनके ऊपर गेट तक गए थे, गेट से वापस आए, इन्होंने बोला यहाँ पे रुको, आप वापस क्यों आए नीचे आकर के, ऐसे बोला। और फिर बोला हम, मैं ऊपर गेट खोल देता हूँ, रूम में रहना है रूम में रहो, ग्राउंड में लगाना है टेंट ग्राउंड में लगाओ। फिर हमने बोला कि हम गाड़ी भी ले जाएंगे, तो फिर गाड़ी का ये है कि उस ग्राउंड में गाड़ी नहीं जा सकती, घास वाले ग्राउंड में। तो फिर हमने बोला यही सही है यार, इतना बेस्ट ग्राउंड है। तो चलिए भाई, ग्राउंड की रेकी हो चुकी है, अब सोच लिया है जहाँ दो गाड़ियाँ लगी है वही बेस्ट प्लेस है, तो तीसरी भी लग जाएगी, जगह बहुत है वहाँ, आराम से लग जाएगी। और व्यू आपको दिखता रहेगा वो वाला, बहुत ही शानदार व्यू। चलिए भाई, कश्मीर में यही मजा है भाई, ग्राउंड दुनिया भर के ग्राउंड बने पड़े हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ग्राउंड थोड़ा अनइवन सा था, तो पत्थर लगा दिए नीचे और टायर उठा दिए पीछे वाले, और अब जो है लेवल में आ चुका है बढ़िया एकदम। अब खुलेगा अपना रूफटॉप टेंट और अब होगी यहाँ पे भाई कुकिंग। और आप पहाड़ देखो ऊपर भाई, क्या शानदार पहाड़ है। और ये तीनों गाड़ियाँ, तो चलिए भाई खोलिए किचन। और मेरी न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस देखिए कुकू की, ठंड लग रही है और ये डाल दिया, सही है, मस्त लग रहा है। तो हमारे कुक साहब आ गए हैं और टन टन है। फिर क्या बनेगा आज? आज बनेगा कोफ्ता। ओ विद राइस? या ओके, राइस कोफ्ता। दही ली हमने, दही वाला लिवाई है तो उसके लिए। हाँ, आज भाई शॉपिंग करवाई है कुकू को। हाँ। चलो तो फिर, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, पिछली वीडियो में था शायद, है ना? हाँ। दिन तो आज का ही है। हाँ हाँ, दिन तो आज का ही है। हाँ, अब नहीं लगी ठंड। तो कपड़े ढंग के पहनोगे तो कहाँ ठंड लगेगी। एक गांव की याद आ गई देख, और घर में भी कई बार पानी नहीं आता था तो दूर हेडपंप में कहीं ऐसे पानी के एरियाज में जाना पड़ता था, वैसी लाइफ जी रहे हम भाई। और ये देखिए वो लगी है गाड़ियाँ, सुनील भाई को बताया था, कहाँ है भाई पानी? टैंक? रास्ता, रास्ता पानी की खोज में। चलिए ये तो लगता है पहुंच गए हैं पानी के पास, और पानी तो ऐसा है कि भरना नामुमकिन है। इतनी देर पानी ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ सारी जगह में, लेकिन पानी नहीं मिला। और फिर उनको कॉल लगाया, उधर गुज्जर भाई है उनको कॉल किया, तो उन्होंने बताया ये फ़र्क होता है भाई, बल्कि मैं इसके पास से निकला, इधर से छलांग लगा के उधर गया, उधर उस टैंक के पास, लेकिन ये नहीं दिखा मुझे। सर बहुत ही ज़्यादा साफ जगह है, और ऐसी छोड़ेंगे इसको साफ सुथरी जैसी हमें मिली है जगह। बाकी आज बनेंगे भाई कोफ्ते, पहले कोफ्ते बनेंगे, फिर कोफ्ते दही कोफ्ता बनेगा, फिर बनेंगे चावल, और साथ में कुछ नहीं, सैलेड वगैरह अचार वगैरह है ही। और मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले टेंट खोलता हूँ, क्योंकि टाइमली टेंट खुल जाए ना तो सही रहता है और नज़ारे भी सही रहते हैं। क्या बन रहा है? मुर्गी। क्या मुर्गी? आप तो वेज खाते, नॉन वेज खाते नहीं हो? बर्गर, बर्गर, बर्गर। अच्छा बर्गर। हमने नया नाम रखा है बर्गर। अरे यार मैं कैसी मुर्गी। चलो शुद्ध शाकाहारी बंदों को मुर्गी खिलाने की बात। हाँ। कौन सा बर्गर, कैसा बर्गर भाई? अब पूछो। हाँ सैफ, हाँ वो इंटरनेशनल सैफ। कृपया हमें बताइए। मैं तो सोच रहा था सिंपल आलू वाला, आलू वाला सिंपल। मैं तो भाई सोच रहा था कि मुझे रेडी वाला नूडल वाला बर्गर खाने की मिलेगा। हाँ। पर अब पता चला कि अकेले टिक्की बीच में घुसा के दे देगी बस। तो चने भी उसमें बॉईल करो ना, व्हाइट चने, पर वो भिगाए नहीं होंगे। हाँ चलो छोड़ो, चने का क्या है, आलू बहुत बढ़िया भाई। मटर डालूंगे ऐसे तो साथ में। मटर, वाह फिर तो और मस्त फ्लेवर आएगा। हाँ खिलाने पड़ेंगे आपको, भी खिलाएंगे हम, कुछ टेंशन मत लो। हमारे शेफ ने भी शुरू कर दिया है काम, कटिंग शटिंग शुरू हो चुकी है। इनको तो वो नहीं करना पड़ता है ऐसे ऐसे, तो देख रही थी मैं खराब है। तो कैमरा हो गया सेट और चलिए टेंट खोलते हैं। कुकू कर रही है चॉपिंग, मतलब कोफ्ते बना रही है। दो मिनटों में टेंट तैयार है, अब 5 मिनट लगेंगे वो डंडियां लगाने में, तो अपना टेंट है रेडी। वो देखिए आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होगी,
ये हमारे पड़ोसी आ रहे हैं, हमारे नेबर्स। ये शायद आज यहीं रुकने वाली है रात को, क्योंकि गुज्जर भाई ये रहते इधर येलो वाले टेंट में, और इधर बैठेंगे ये सारे हमारे पड़ोसी, और ये बोलते रहेंगे आज मैं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। तो मैंने टेंट तो लगा दिया, और यहाँ पर कुक्कू ने कर दिया भाई चॉपिंग। क्या क्या डाला इसमें? अभी इसमें कुछ नहीं, प्याज मिर्च। हाँ। चलो देखते हैं, डालेंगे हम मसाले। ओके, करते हैं इनको। अच्छा, बनाएंगे अब ये तले जाएंगे। ओ तो तक आप यहाँ पर लोग इतने आ रहे हैं कि बातें करने में बिजी हो गए हम। क्या करना तब तक? प्याज टमाटर चॉप। अच्छा, फिर तड़का लगेगा ना। ये हो रहे हैं कोफ्ते फ्राई, ये बन गया उनका मसाला। तो देखिए भाई, देखने में तो बड़े लजीज लग रहे हैं, अब खाने के बाद लगेगा पता। हाँ, कैसे लगेंगे वो देखते हैं, बाकी वैसे तो कोफ्ता टेस्टी था। ये देखो मैंने लाइटें लगाई, कैसी लग रही है? बहुत मस्त लग रही है। बाकी जब और रात होगी तो और मस्त लगेगी। और पीछे देखो आप पहाड़ बर्फ का। चलिए जी, तड़का हो रहा है रेडी। जीरे हमने डाल दिए हैं और जीरे चटकना हो गए शुरू। अब इसमें डालते हैं प्याज। बाजी वाह, मिर्च काट लो, मैं काटता हूँ। मिर्च भूल गए थे काटना। तो तड़का हमारा लग गया, ग्रेवी बन रही है बढ़िया, और चावल रख दिए थे मैंने पकने के लिए, तो चावल पक चुके हैं, और बिस्तर वगैरह भी ऊपर बन गया है, मतलब कंबल वगैरह ऊपर रख दिए, चद्दर भी छा दिए, बाकी सोते बार देख लेंगे। तो अब डिनर करेंगे। डिनर करने के लिए यहाँ पे बनाते हैं जगह एकदम मस्त वाली, क्योंकि हवा तेज है बाहर, तो आराम से खाएंगे बैठ के चिल मार के। क्यों जी? हाँ हाँ, ये लो जी, चले गए। ये तो पक गए फिर समझो, है ना? हाँ, रेडी? नहीं रुको, 5 मिनट। ऑलमोस्ट रेडी मतलब या या। चलो तो मैं इधर बनाता हूँ, बैठने की जगह बनी हुई है। तो हमारा खाना हो गया रेडी। ये देखिए, कोफ्ता विद अचार विद थोड़ा सा सैलेड, और कुकर लेके घुस रही है कुकू। चलो भाई, आज बहुत दिनों बाद अपनी गाड़ी में खाएंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, और वो कैंडल लाइट डिनर होगा आज हमारा। कैंडल भी जल गई है। मैं बोलती हूँ ना, मेरे को कैंडल लाइट डिनर नहीं करवाते। बस हो गया ना आज सारी कंप्लेंट खत्म। ये देखिए क्या नजारा है, नाइस। थोड़ा पेट में जगह रखनी पड़ेगी, बर्गर और वो भी खाना है। ये जो चावल लिए ना हमने, ये काफी अच्छे हैं। पैकिंग तो नहीं थी, खुले ही चावल थे। ये नाम भूल गया मैं इसका। हाँ बस इतने इतने डाल। ये जी कोफ्ता, कितना कोफ्ता मिलेगा भाई एक बंदे को? बहुत है ना, जितना वो खा सकता है। बहुत है, बहुत है, कोई कमी नहीं है। बहुत जगह है, दही भी है, लेकिन रात को खाएंगे नहीं यार, जुकाम सा हो रहा है। नाइस, टेस्ट करिए आप भी। कैसा बना खाना? बहुत टेस्टी है, मजा आया ना? हाँ, क्योंकि मैंने बनाया ना इतनी मेहनत से। ये क्यों? तो खाना हो गया जी डन, और देखिए कुछ ऐसी लग रही है हमारी गाड़ी, और बस गाड़ी को ऐसे छोड़ रहे हैं लाइटें जली हुई, क्योंकि बढ़िया लग रही है। और अब जा रहे हैं अपनी कुर्सी उठा के, देखो कुछ जली गई वहाँ पर, तीसरी किचन में, यहाँ जलाएंगे बोनफायर। तो देखते हैं भाई इधर बना कुछ या नहीं बना। हाँ दिख तो रहा है कुछ, हाँ उधर बर्गर जैसा दिख तो रहा है। टिक्की मेरी फेवरेट, 4-5 मैं उठा के ना ले जाऊँ कहीं। बोनफायर इज रेडी। ये भाई हवा ही ऐसी है कि कोई इलाज ही नहीं है इसका। उधर कुछ बिल्डिंग्स तैयार हुई है, हाई फ्लोर बिल्डिंग्स, देखिए बढ़िया, देखने में लग्जरी लग रहा है भाई, खा के लगेगा पता। और ये टिक्कियाँ, चटनी, वाह मजा आया। वैसे हम खा चुके हैं बहुत कुछ, बर्गर सर्व करने और
हमारे बीच में सबसे जो छोटा होगा उसको मिलेगा। तो ये आ गया जी हमारा बर्गर, दे दीजिए, थैंक यू। हाँ जी, कैसा लग रहा है फिर? ऐसा बर्गर हो और ऐसे दोस्त हो खिलाने वाले, और क्या चाहिए फिर, है ना? और एक हो जाए बोन फायर। भाई मजे आ गए।